हेलो स्टूडेंट्स अ अम वेलकम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड दिस वीडियो एज यू कैन सी इज ऑल अबाउट अ वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक 300 आउट ऑफ 300 एट जेई मेन 2021 कैन यू गाइस डू इट दैट इज व्हाट वी गाइस आर गोइंग टू टॉक अबाउट एज अ मोटिवेशन पार्ट फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कांग्रेचुलेट कॉन्ग्रेचुलेट टू स्टूडेंट्स हु हैव गॉट 720 आउट ऑफ 720 एट नीट 2020 वहां से ये इंस्पिरेशन आई है कि क्या सर हम जेई मेंस में मैं भी ला सकता हूं बिल्कुल ला सकते हैं सो लेट्स कांग्रेचुलेट शोएब आफ्ताब एंड आकांक्षा सिंह फॉर गेटिंग सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ऑल अदर टॉपर्स ऑफ द नीट फॉर अचीविंग दैट इम्पॉसिबल थिंग सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी टू स्टूडेंटेड शोएब आफ्ताब आकांक्षा सिंह ट्रिमेंडस जॉब सो सर क्या हम लोग भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जेई मीन में थ्री हंड्रेड ऑफ थ्री हंड्रेड एब्सोलूटली येस अगर आप जाके इन बच्चों की स्टोरी लाइन पढ़ेंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू नो

इनफैक्ट लॉकडाउन तक घर नहीं गया वापस क्यों मेरा एक ही ड्रीम था घर तभी वापस जाऊंगा जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा दिस इज द स्पिरिट विच इज रिक्वायर्ड टू क्रैक एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ आई विल नॉट गो बैक आई विल नॉट गिव अप टिल दी टाइम आई गेट वॉट आई वॉन्ट टू अचीव सो दैट इज द स्पिरिट

तो मेरे यकीन से कुछ होने नहीं वाला है जब तक आप लोग यकीन नहीं करते हैं दैट यू गाइस कैन डू इट व्हाट इज रिक्वायर्ड फोकस स्मार्ट स्टडीज डिटर्मिनेशन वेरी वेरी हैवी वर्ड्स फोकस फोकस हमारी आज की डेट में है ही नहीं हल्की सी इधर वीडियो आई हम उधर चल दिए हल्की सी इधर वीडियो आई हम उधर चल दिए है ना फोकस फोकस आप सोचो उस बच्चे का फोकस कितना जबरदस्त रहा होगा जिसने कहा कि सर जी मैं अब की बार कोविड में भी घर नहीं जाऊंगा मैं यहीं बैठ के पढ़ूंगा डिटर्मिनेशन फोकस बैठा हुआ एक जगह पढ़ रहा है स्मार्ट स्टडीज ये सारी चीजें आप जब तक नहीं डालेंगे अपने सिस्टम में 300 हंड्रेड आउट ऑफ थ्री हंड थ्री हंड्रेड ऑफ थ्री हंड्रेड इज नॉट अ नॉलेज गेम हमें लगता है कि सर बहुत ज़्यादा होशियार होना पड़ेगा होशियार आप बनते हैं इन स्टेप्स को करके कोई पैदाइशी होशियार नहीं होता है और राह तक बात रही पैदाइशी होशियार की यू गैस आर ऑल ब्रिलियंट सुपरली टलेंटेड सिर्फ फर्क है कि वो आप शायद एजुकेशन में उतना शो नहीं कर पाते अपना टैलेंट जितना आप टैलेंटेड हैं बिकॉज मोस्टली हमें एजुकेशन उतनी प्यारी नहीं है जितनी हमें स्पोर्ट्स म्यूजिक अदर एक्टिविटीज प्यारी हैं। ठीक है थिंग्स टेक टाइम टू इंप्रूव अब ऐसा नहीं आज की वीडियो देखी जोश आ गया अब इंप्रूवमेंट होनी चाहिए इट टेक्स टाइम गिव टाइम सो यू शुड हैेंस मतलब अगर मान लीजिए आपने मेहनत करी और फिर भी रिजल्ट नहीं आया तो निराश नहीं होना मैं फिर भी लगा रहूंगा मैं रगड़ता रहूंगा 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 लगा रहूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर मुझे याद आती है कि अगर पत्थर के ऊपर पानी भी पड़ता रहे तो हमें लगता है सर एक एक ड्रॉप से क्या फर्क पड़ेगा लेट दैट ड्रॉप फॉल ऑन द सेम रॉक फॉर ट्वेंटी फाइव लाइन बना देता है वही एक ड्रॉप अगर एक पानी की ड्रॉप पत्थर पे लकीर बना सकती है तो आप सोचिए आप अपनी लाइफ में क्या क्या काम कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड परसेवरेंस नॉट गिविंग अप डिस्पाइट फॉलिंग एवरी टाइम हमें फॉल से बहुत डर लगता है बचपन में साइकिल चलाना सीखा था तो एक बार दो बार ज़रूर गिरे थे इसका मतलब ये नहीं था कि हमने साइकिल चलाना छोड़ दिया वी अगेन अप हमारे पापा ने मम्मा ने उठाया हमें और फिर से कहा चलो भाई कोई नहीं गिर गए थोड़ा रब ऑफ करा वापस शुरू That's how studies are also to be treated. कोई अलग चीज नहीं है तो स्टॉप वेस्टिंग टाइम एनफम है समय बर्बाद करना बंद करिए काम पे ध्यान दीजिए ठीक है स्टॉप ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम फैंटेसाइजिंग अब स्कोर आ गया मैंने तीन सौ की बात कर ली तो आधे लोग सपने में हैं मेरे तीन सौ आ गए आ गए नहीं है आपको अगर सपना भी है तो आपको सोचना भी है तो क्या मैं क्या क्या करूं जिससे मेरे 300 आए और इसमें भी ओवर थॉट नहीं करना है सोचते सोचते कहीं और पहुंच गए सोच लिया पहले करिए फिर सोचिए फिर करिए फिर सोचिए लूप चलाइए पर ऐसा नहीं है कि मैं सोचता रह गया और मैंने काम नहीं करा ठीक है क्लियर तो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस टू योर सेल्फ मेरी इलेवेंथ खराब है मेरे को बीमारी हो गई सर मेरे घर में कंड्यूसिव एनवायरमेंट नहीं है सर कोविड आ गया सर ये हो गया ये सब खत्म कर दीजिए बिकॉज एक्सक्यूज से सिर्फ एक ही बंदे का नुकसान है आपका सिर्फ आपका सो स्टॉप गिविंग दोस् सिली एक्सक्यूजेज टू योर सेल्फ आप किसी और को नहीं दे रहे सर क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं सर मुझे क्वेश्चन बहुत टाइम लगता है सर सॉल्व करने में सर टाइम नहीं मिलता है सर 1.5 पे देख लूँ सर कम क्वेश्चन कर लूँ सर ज्यादा क्वेश्चन कर लूँ सब के आंसर आपके पास हैं आपको सब पता है सही क्या है और गलत क्या है स्टॉप फूलिंग अराउंड स्टॉप वेस्टिंग टाइम कम करिए अच्छा करिए टाइम इज नेवर अ प्रॉब्लम ठीक है वन परसेंट रूल वो ये वन परसेंट रूल क्या कहता है इफ यू स्टार्ट इंप्रूविंग योर सेल्फ वन परसेंट एवरी डे बाई दफ थर्टी थ्री सिक्सटी फाइव डे यू विल इंप्रूव योर सेल्फ थर्टी सेवन टाइम्स नॉट जस्ट वन एक्स और टू एक्स थर्टी सेवन टाइम्स यू वुड हैूव योर सेल्फ प्रोवाइडेड यू कीप इंप्रूविंग योर सेल्फ वन परसेंट एवरी डे वन परसेंट इंप्रूवमेंट आज मैं सर छः घंटे पढ़ा कम पढ़ाऊँ कल सर सात घंटे ये तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया वन सिक्स इंप्रूवमेंट कर दी आप ऑलरेडी दस घंटे पढ़ रहे हैं आई विल इम्प्रूव टेन आवर्स थर्टी मिनट्स छोटे छोटे इंप्रूवमेंट अच्छा दस घंटे का दस घंटे बट बेटर कॉन्सेंट्रेशन है तीन घंटे की सेटिंग छोटी छोटी चीज़ों में घुस घुस के काम करूंगा क्वेश्चन कर रहा हूँ क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं जब तक मुझसे वो सॉल्व नहीं होता है डाउट मैं ही अपना सॉल्व करूंगा दैट ऑल्सो इंप्रूवमेंट वो लाइए छोटी छोटी चीज़ें टॉपर से ये चीजें सीखे ये मत सीखे कि मैं किताब ले आता हूं चलो जो टॉपर ने करी थी उससे क्या होगा यार क्वेश्चन तो हर किताबों में सेम होते हैं ठीक है ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप जो थॉट आपको ओवर थिंकिंग करवा रहा है वो आपका थॉट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा वो थॉट जो आपको सोने ना दे और बोले काम कर टेबल पे जाके बिकॉज योर टारगेट इज स्टिल वेरी फार अवे यू विल अचीव दैट थिंग एंड इट इज नॉट माई स्टेटमेंट सर अब्दुल कलाम आजाद स्टेटमेंट राइट मेरे लिए बहुत फेवरेट स्टेटमेंट है मैं अपनी इसको पर्टिकुलरली वन ऑफ माई बेस्ट लाइन्स आई जस्ट होप फॉर यू ऑल्सो दिस बिकम्स वन ऑफ योर की कैप्शन लाइन्स टू बी पुट ऑन व्हाट्सएप और हम लगाते हैं ना बड़े एंशंट दो साल ये लगाते हैं एक साल ये लगाते हैं अगले साल तक वी विल नॉट लेट लेटस स्लीप स्लीप तो चलो लेना जरूरी है बट हम ये कह सकते हैं वी विल नॉट लेट लेटस्ट गिव अप टिल द टाइम वी अचीव आर ड्रीम्स क्लियर गाइज मिलके करें 300 की जर्नी क्लियर एंड आई एक्सपेक्ट सम ऑफ यू आउट देयर वुड गेट दैट 300 फॉर मी एंड फॉर योर सेल्फ सो मैथन गो एज अ प्लेटफॉर्म वी आर लुकिंग एंड ट्राइंग दैट कैन वी गेट दैट 300 द ब्रिलियंट 300 हंड्रेड आउट ऑफ थ्री विद आवर आर लिटिल हेल्प इफ वी आर इवन 1 परसेंट पार्ट ऑफ दैट जर्नी ऑफ थ्री वी विल बी लाइक ऑन क्लाउड नाइन राइट ठीक है तो प्लीज इस इस स्टेटमेंट को यहां और यहां उतार लीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए बिकॉज एट एंड ऑफ द डे पेपर फोड़ना है गॉड ब्लेस यू ऑल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप वर्किंग हार्ड